दोस्तों, कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? आज हम आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं और महाभारत काल में क्या हुआ था वो आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आपने भले ही किसी जानवर को सहवास करते न देखा हो, लेकिन कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको लगभग सभी ने सहवास करते देखा होगा। अक्सर खुली जगहों पर कुत्ते का सहवास करना बच्चों के मनोरंजन का साधन हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं ये रोचक कहानी, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कुत्ते खुले में ही सहवास क्यों करते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें। दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी महाभारत काल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्रौपदी 5 पांडवों की अकेली पत्नी थी। 5 पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद ही सभी पांडव भाइयों ने निर्धारित किया था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी और उसी के साथ समय को व्यतीत करेगी। इनमें से ये भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। दरअसल जब द्रौपदी एक पांडव के साथ में अपने बेडरूम में होती थी तो वो पांडव दूसरे उस कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं यानी कि चप्पल छोड़ देता था ताकि दूसरे पांडवों को पता चल जाए कि कक्ष में दूसरा भाई है और उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के पास कक्ष में आया तो उसने भी पादुकाएं कक्ष के बाहर छोड़ दी ताकि दूसरे भाइयों को पता चल सके कि प्रवेश नहीं करना है। द्रौपदी और अर्जुन प्रेम प्रसंग में लीन थे। तभी एक कुत्ता घूमता घूमता आया और कक्ष के बाहर रखी अर्जुन की पादुकाएं उठाकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। इसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने कक्ष में आया और उसने देखा कि कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं तो उसे लगा कि अंदर कोई नहीं है, तो भीम ने कक्ष में प्रवेश कर लिया। कक्ष में अर्जुन और द्रौपदी प्रेम प्रसंग में लीन थे और भीम के अचानक अंदर आ जाने से द्रौपदी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो गया और अर्जुन ने भीम से गुस्से में कहा, जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया? तो भीम बोला कि बाहर तो कोई पादुकाएं नहीं रखी है। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सच में अर्जुन की पादुकाएं वहां से गायब थी। पादुकाएं कौन ले गया, इसकी खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। द्रौपदी इस घटना से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी और जब पता चला कि कुत्ते द्वारा पादुकाएं उठाकर ले जाने के कारण ऐसा हुआ है तो द्रौपदी ने गुस्से में उस कुत्ते को श्राप दे डाला कि आज तुम्हारे कारण मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा है, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें भी हमेशा सहवास करते देखेगी। दोस्तों, इसी श्राप के कारण कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय कोई जगह नहीं देखते, जिसके चलते आसपास के मनुष्य उनका उपहास करते हैं और बच्चे पत्थर मारते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों के ये कथा समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।